Hi. Hello everybody, welcome to Rainbow of Womanhood Facebook live event, and I'll show you, we have our Pratibha over here. Hi everyone. One of the editors and the chief person in the book and publication PurLitica. Then we have our guest over here, our relatives, Chacha, Chachi, Safu, they're here. And then we have our guest of honor, Pramila ji. She's here. ये आज अपनी कविताएं पढ़ के सुनाएंगी हम सबको और कुछ अपने कुछ पंक्तियां बताएंगी हमको सुनाएंगी. And then my sister, hello, Gitika. किससे बात करा रहा है? Facebook live event है ये आपका. Dr. Madhur Aturi, my mother, always blessing us. Manoj Mama, and our chief guest, Shodak ke Sanstapak, or very key person. He's been part of our book, and Shodak ne hamari kafi sahayata kari, to uske liye bahut bahut dhanyawad. और आज ये भी अपनी कुछ पंक्तियां सुनाएंगे और हमसे वुमनहुड के बारे में कुछ शब्द बोलेंगे. राइट, सो ये this is Rangoli. She is a very, very good reporter for DNA. She's here with us and she's my sister. I'm very proud of her. So ये फूल किसी और को चला गया था, but now it is. Yeah.
Nandini's father, a young artist. This is Nandini's father, who has won the Young Authors Award. So Nandini, awesome, keep up the good work. And your father wants to say a couple of good words to everybody. Hello Nandini, how are you? My sweet daughter, I really love you. I really love you, my daughter, my sweet daughter. Keep it up. That's my brother, that's my best friend. He's here, Rachit. And that's Sneha. So you all have to say a few words about womanhood, what you think about womanhood. So whenever you have some time and space, please go share. Congratulations. Without the leaves, I am without the leaves, I am just a Dali. I'm going to go to the next one.
बुक आपके नाम के अंदर के बैनर तले
successful event. Yes. आप भी सोचा कि हर बुक का ऐसे आइए बेटे बोलो हर आपको सब याद रह रहा है जो जो आपने लिखा है 9 years, 9 years for वही देखो ना कौन मेरा करती है वैसे वाले क्वेश्चन और ये सब पूछते हैं ना मौसा जी सब पता हो गए मौसा जी बता रहे थे बाहर कौन सी जर्मनी है मुझे यूनिवर्सिटी में रेफरेंस की तरह यूज हो रही है लाइब्रेरी सबके आर्काइव्स के अंदर कॉपी रखी हुई होता है क्योंकि एक जर्नल आया एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर मान लो तो उसमें 16 पेपर है रिसर्च पेपर है 25 रिसर्च पेपर सब रिसर्च करके उसके लाए अच्छा जिन जहाँ रिसर्च करो सबको डॉक्टरेट डिग्री मिल जाती है रिसर्च से डॉक्टरेट मिलती है पीएचडी में रिसर्च करना पड़ता है रिसर्च के बाद दैट इज नॉट अच्छा जस्ट ऐसे वैलिडेट कौन रेफरेंस कोई तो उसको रिव्यू आप हर एक चीज जो उन्होंने फैक्ट किया सब चेक करते हैं प्लस उन्होंने जितनी रेफरेंस बुक ली है कि उन्होंने सही दिया है कि पेज नंबर 81 से आपने वो पैराग्राफ लिया है ऐसा तो नहीं है आपने मैनिपुलेट कर दिया आपको कितनी बुक्स के नाम और कितना कुछ हिस्ट्री के लिए ऐसी कोई बुक नहीं होगी जो मोहित को नहीं होता स्पेशली राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री जो है जिसमें जेडू का स्पेशलाइजेशन है ना मेडिवल हिस्ट्री का जेडू का वो पढ़ाई हो ये जी आ जाइए ये लोग डस्टबिन इसमें डाल दीजिए एक कपड़ा डालने की देखता हूँ इसमें डाल अजी बैठी बैठो बैठो बहुत देर से बैठो बैठिए ठीक है वो लाइव है एक्चुअली लाइव एक और हो जाए हो जाएगा पांडे सर ले लो आपने अच्छा लाइट है इमेजिंग नहीं नहीं लाइट क्या ये जो कटलेट लीजिए ¿Qué más?
दिख रही हूँ हमारे साथ प्रतिमा नेथानी है माय बुआ एंड शी इज अ बिग सोशल वर्कर शी इज रनिंग एन एनजीओ दैट्स एम्पावरिंग वुमेन वो उनको एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में वोकेशनल ट्रेनिंग देती है तो वो आपसे कुछ स्पेशल वर्ड्स कहना चाहते हैं मैं ये कहूँगी जो इनका प्रयास था किताब में जो इन्होंने लेडीज के लिए लिखा है बताया है उनके थॉट्स को शेयर किया है आई रियली अप्रिशिएट बोथ ऑफ देम और इट्स अ गुड इनिशिएटिव फॉर देम सिर्फ हम लोगों को सोचने की ये आवश्यकता है कि हमारा रास्ता कहाँ है हमें कहाँ आगे बढ़ना है कहाँ जाना है एक खाली विचार मन में ला के हम बहुत आगे तक जा सकते हैं जब हम एक थॉट लेते हैं थॉट प्रोसेस होता है तो वो हमें बहुत ऊंची उड़ान तक लेके चला जाता है रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं सिर्फ सोचने की देर होती है कि हमें सोचना क्या है बनना क्या है और रास्ते निकलते चले आते हैं स्वामी विवेकानंद भी इस बारे में ये कह के चले जीवन कर्म सहज विषण है इसका सब सुख केवल क्षण है यद्यपि लक्ष्य अदृश्य धूमिल है फिर भी वीर हृदय हलचल है अंधकार को जीर अभय हो भरोसासी जग विजयी हो तो मैं इन लोगों के लिए भी यही कहूंगी अगर इन्होंने एम्पावरमेंट के लिए काम किया है तो बहुत कुछ समाज में करने के लिए है खाली एक अनपढ़ लोगों के लिए नहीं पढ़े लिखे लोगों के लिए भी एक विचारधारा बदलना बहुत आवश्यक है कि हमें हमारे लिए सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं That was beautiful. आपने जो बोला और आप भी आपका भी जो संस्थान है वो बहुत आगे तक जाए और women को ऐसे empower करते रहे. Yes, I am working in with social work and in uplifting of women, not only women, but those who are left away somewhere, some else. इन सब के लिए काम कर रही हूँ और आज एक बहुत जब मैं slum areas में काम करती हूँ तो खाली स्लम एरिया में ही नहीं डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सोसाइटी में आती है इस चीज को लेके मुझे आयोग ने एक जिला सदस्य भी मनोनीत किया है और इसके अलावा मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी प्रदेश कार्यकारिणी में एक सदस्य भी बनी हूँ जिसमें मैंने इन लोगों को यह बोला है कि खाली हमें आयोग का सदस्य बन जाना या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम बन जाना दायित्व ले लेना ही हमारे लिए काफी नहीं है अगर हम इसके लिए पहल ना करें आगे ना बढ़े हम ऐसी बेटियों को गोद ना लें जो किसी भी कारणवश चाहे पेरेंट्स की वजह से और चाहे अपने हस्बैंड या फैमिली एनवायरनमेंट इनकी वजह से अपनी पढ़ाइयों को बीच में ना छोड़ दें हम लोगों को उन्हें एटलीस्ट इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए या अडॉप्ट करना चाहिए कि वो 10वीं 12वीं तो एटलीस्ट करें और जो कुछ नहीं कर पाई और आज पढ़ना नहीं चाहती हैं या दिमाग नहीं चलता है तो हम उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दे के भी आगे बढ़ा सकते हैं बहुत सारे ऐसे आपके पास सोर्सेज हैं जो आपको इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मददगार हैं बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं इन चीज़ों को करते हैं और उनमें से मेरा भी एक प्रयास यही रहता है गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट थैंक्स वाओ दैट वाज अमेजिंग थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस Pratibha, Pratibha is here. Pradeep Jagga is looking for you. Hi, Pradeep. How are you? Say a few words today. We liked your poem a lot, and thank you so much for participating with us. We look forward to more contributions from your side on our upcoming anthologies. Thank you so much, and enjoy. There will be a cake cutting ceremony after some time. We are just waiting for guests to join. And Swetfaji, and please say a few kind words about womanhood. What do you think about, you know, this is a Facebook Live event. And as you can see, he's a warrior. He's just gone through a small procedure in his eyes, so he looks as cat as he is.
So please say a few kind words about womanhood, about empowerment of women, about society in general. So this is about womanhood, definitely. And the opportune time is that we are observing Navratra. So this is all about womanhood for the whole week. And I believe ultimately it is the womanhood that we should uphold for everything in society, for whatever it is, for the progress, for the upliftment, for everything, for day-to-day affairs. We need to uplift the womanhood. And anybody who cares to further the issue, for the progress, I believe we should salute it. And ultimately, we tend to forget the various importance. But first and foremost, I'd like to say that it is the women who has to realize the importance of women. It's only then that the womanhood will come forward. Because it's just not for the other people to mention about it. First of all, the women should realize about the womanhood, live up to it, breed it, prosper it, live it. That is where some efforts have to be taken. It's the women who has to realize how important they are and the role they have to play. Once they start doing that, of course, everything will fall in place. Their respect, their position, their contribution is immense. But it has to begin with them and everything. That's it. Thanks, Manu. Thanks. Mom, keep it up. Thank you. Thank you so much, Simit Faji. Thank you so much. Our chief guest. Baad mein bolenge. Please, few kind words about womanhood, about society, about what you think is valuable to today's society in terms of motherhood, womanhood. So, ये Facebook live event है. मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ message लोगों को दें इस event के थ्रू. Women in our society and in India particularly, society in particular, they are the most oppressed. So we need to uplift them, and men has to take this thing. Kadgal to support them in every field, because ladies में सारी powers हैं, पर उनको जब तक उनको उनकी शक्ति का पता ही नहीं जाएगा तब तक उनको पता नहीं लगता कि वो लोग कितने powerful हैं. They can perform in every field of the life and but perform very good efficiently in every field. So but we need to tell them, we need to support them, we need to bolster their confidence कि आप ये कर सकते हैं, आप ये करेंगे और वो कर भी देंगे. मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये मेरा पर्टिकुलर पर्सनल व्यू है कि वो आदमी से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उनमें मेंटल स्ट्रेंथ उनकी जेंट से ज़्यादा होती है. दे हैव अ वेरी गुड instinct to take good decision, good and rightly and right and quick decision as compared to the men. So mera manna hai ke agar ladies ko jara sa humko forward ko rakh de, forward ko jara sa lane ki koshish kare hum, to wo society ki behtri ke liye bahut acha kaam kar sakte hain. हाय ऑल, नमस्कार. मैं नवनीत. ये जो किताब हम आज जिसका विमोचन होने जा रहा है, किताब को जब हम वो थोड़ा बहुत उसके पन्ने पलटे और उनको देखा, तो नारी शक्ति को इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रतिबिंबित किया गया है. और नारी शक्ति
जो हमारे भारतीय इतिहास भारतीय शास्त्रों में कल्चर में नारी को शक्ति का स्रोत माना गया है, उस पर पूजा की जाती है और उनको ये माना जाता है कि जितने जो भी हमारे इस समय जो संसार है जो सब शक्ति से ही चल रहा है, शक्ति से ही प्रेरित है। और उसके अलावा जब स्त्री का आशीर्वाद नारी का आशीर्वाद नारी का विचार और कई समाहित होते हैं आकर, जैसे कि इस पुस्तक में हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग राज्य देश समाज के स्तर सभी स्तर से जो यहाँ पे महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं जिस तरह से, और सभी उम्र के अक्रॉस द एज ग्रुप, उन सब में इस किताब में एक जो चीज़ एक मेरे को महसूस होती है वो भी एक ऊर्जा ही है, एक प्रकार की एक मेरा ये मानना है कि ये जिसको बोलेंगे इंस्पिरेशनल है, प्रेरणा का स्रोत है ये किताब। अगर इसको पढ़ा जाए तो इसमें इंस्पिरेशन टू फाइट अगेंस्ट ऑड्स, हाउ टू सर्वाइव ऑल द ऑड्स इन लाइफ, और एक लाइट ऑफ होप भी इसमें कहीं कहीं किसी किसी जगह जो स्पेसिफिकली मैंने देखा वो देखने में मिला। तो ऑल वे थ्रू अगर मेरे को ये महसूस होता है कि अगर इस किताब को पढ़ेंगे कोई देखेंगे महसूस करेंगे और उसको जब उसको बोलते हैं मनन आत्म मनन करेंगे तो पक्का ज़रूर अवश्य, और ये नारी शक्ति के प्रति उनका जरूर एक कदम होगा, उनको एक विश्वास जिसको बोलते हैं और दृढ़ होगा इस किताब। और मेरी तरफ से उनके और प्रतिभा को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के एक किताब की जो एक सीरीज है आने वाले समय में अन्य और समाज के भाग से, अन्य और जो भी परिवार के अंदर या समाज के अंदर जो लोग सहयोगी होते हैं, अलग अलग सेक्शन से अगर इसके अंदर भी कुछ और बुक्स इस तरह की लाई जाए जिनके अंदर के अलग अलग विचारों को व्यक्त करने की संभावना हो तो और भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। Thank you very much. And now I am bringing to you person who has been a great inspiration, and she has been the one who has made help us conceptualize the cover. The hand drawn paintings are her efforts. So, one second. ये देखिए, ये तो ऐसे है paparazzi type. She will say a couple of kind words. She's going to say, don't embarrass me. It's already live. You're already embarrassing me. Shut up, I'm going to stop. Yeah. All right. Now you have to say a few kind words. Okay, I love you, Puli. All right. That'll do. She loves me. That's good. All right. That's Dolly Mossy and our reporter, Ranger Rangoli. No contribution except coming here and... All right, you have to say some few words about. Yeah, I am very. About Banu Bia has been an inspiration for me since I was a kid. He has been an inspiration since forever. I'm still a kid. I am not. Okay, you're not. I am okay, not. Any... You people are all no. grown up. Yes. Okay. I am a baby. Good. Yes. I like it. In so fact, our duty came into rising. So our duty is over, Narangoli. Yes. Okay. I came into writing because of this man. And now he's written a book and I'm really excited about it. So, all the best. All right. Thank you very much, Rangoli. I love you. Take a second. Here we go. Here we are. She's an awesome, awesome person. I love her. एक सेकंड, शीतल आंटी के पास में एक बार जाकर फिर आप। हेलो। आप शीतल आंटी प्लीज से फ्यू काइंड वर्ड्स। सो वी हैव शीतल भारी, शी इज हियर, शी रन्स एन एनजीओ एज वेल,
And she would like to say some kind words about it. It's so good, PurLitica, that you've done this. I'm proud of you. And we need boys like you to do things like this. Waiting for your wife to come and feel empowered with you. Oh, wow. Wow. Let's get to the step one. Let's get to the step one, then we'll talk about it. Yes, definitely. You will follow all the steps. You can't go anywhere, trust me. You're not running anywhere. That's Atul uncle, Atul Bahari. And he would say a few kind words as well. Well, I have two daughters, and empowering women never came as a thought to me. Let women be, they're stronger than us any day. Wow. And and everybody should realize it. Wow. Thank you so much. All the best to you guys. God bless you. And come on. Alright, now we have Gitika Gupta and Pramila Gupta, our chief guest of honor. She would like to say, aaj apni kavita bhi sunayengi, but she would like to say a few kind words about womenhood, about society. Thanks Manu for giving me this honor. And I'm not a very accomplished poet. And I wish you all the best and my blessings for you for this new undertaking that you are doing. Thank you. Thank you very much. बताइए आपको Thank you.
लाइफ ही डेयर
ना थोड़ा पीछे पीछे सबका सबका ले लेता हूँ सब लोग एक साथ खड़े हो एक बार सब ना पीछे एक साथ थोड़ा सा हाँ सर सब लोग आ जाएगा और जी जी थोड़ा सा जरूर दे जी जी थोड़ा अक्षत सॉरी बोल के तुम उधर हो जाओ फूफा जी से ले जाओ आप इधर Very nice. Now we'll have a few recitals from two prominent literary guests that we have here, Pandey Fufaji and Pramila Mosinam Pandey. माँ के पास बैठ This is the. I have the pleasure of reading the foreword from. वो आना चाहिए, लिखना चाहिए. एक आगे लेना. एक बार इसका कॉन्सेप्ट बताओ या तो या फॉरवर्ड करो I have the pleasure of reading the foreword written by the chief editor of issue Rajiv Nambiar who is the international editor of Art of Living magazine Vishimu. Here he writes, even though many centuries have passed, the personality of woman still remains a mystery for most of us. Yes. There have been books written, debates held, discussion made, yet thin veil still surrounds the knowledge of this mystical being. We must have seldom encountered a few written pieces about the psychology of a woman or what woman truly want, but this book is a bit eccentric, having a flavor of its own. Rainbow of Womanhood is an inspiring and extraordinary set of stories and poems that take you to a beautiful journey of womankind. The author has met the right ingredient of knowledge of colors with the different emotions of women. That truly sets the book apart from the rest. Every story
that you read makes you experience a particular color and deepens your experience of story reading. There is a certain amount of lightness about the book, as it does not glorify put woman or a pedestal, but simply picks up a real life story which sincerely expresses the joy or struggle of being a woman. As a mother, daughter, lover, girlfriend, sister, housewife, entrepreneur, friend, philosopher, expressing the differing shades and celebrating the same is the sole reason why the authors have meticulously picked up the remarkable story of the book. Thank you. All right, so we this book obviously is the nectar of so many learnings that I have received from my parents, from I've lived abroad, from my friends. Or एक चीज़ जो मुझे इस किताब के बारे में अच्छी लगी, वो हम पहली किताब ऐसी करना चाहते थे जो एम्पावरिंग हो, जो लाइफ टाइम लोगों के पास रहे. तो हमने सोचा कि ऐसा क्या है जो एक किताब में हो सकता है. तो रेनबो ऑफ वुमनहुड जब हमने सोचा, तो हमने कहा कि वुमेन के इतने सारे पहलू होते हैं. माय मदर, माय सिस्टर, माय फ्रेंड्स, दे ऑल हैव गिवन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स टू देयर फैमिली. तो हमने 7 कलर चुने और 7 कलर को हमने कमिटमेंट, सेल्फलेस, मदरहुड, प्लेफुल, माइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रोमांस के अंदर सम्मिलित किया. और नारी शक्ति जो है वो हर तरीके से इस चीज़ को सिम्बलाइज करती है. दे आर डेफिनेटली मोर पावरफुल देन अस एंड दे कैरी अस इन मैनी वेज. तो ये जो किताब है, इस किताब का जो साथ, इसमें बहुत हिडन मीनिंग्स भी हैं. इस किताब के हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी डाली हैं जो आप अपने पास लाइफ टाइम रखना चाहेंगे. और इसमें कलर करने के लिए आपके पास स्पेशल सरप्राइज है. सो वी हैव डन स्पेशल डूडलिंग, सो यू कैन कलर देम एंड यू कैन कीप देम विथ यू. सो द बुक इज़ ऑब्वियसली वेरी स्पेशल टू अस एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने सारे लोग आए हैं, आप लोग आए हैं, यू ऑल आर हेयर. इट इज़ अ ब्लेसिंग that we are able to do this because of all of your effort. So big congratulations to you all, and thank you very much. And here is Pratibha. Hi everyone, I'm sorry first of all for all the delays that has happened, but I think we were able to come up with a very nice book. As you can see, and Purlit explained, that we have tried to do something different than other anthologies. Like, we try to put in the doodle art as well as explaining about the colors. I'm glad that you all participated, and looking forward to have more contributions from your side in terms of poems and stories. Keep writing, keep inspiring. Thank you so much for participating. You shall receive all your copies by next week. Thank you again. Take care. Now we'll do some recitals by Pramila Gupta, our guest of honor. So, Pramila ji, apni kuch kavita sunegi. धन्यवाद मनु. I'm really grateful to you for this honor. और तुमने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ. मैं कोई बहुत पहुंची हुई लेखिका नहीं हूँ, और मैंने 62 इयर्स की एज में पहली पोएम लिखी. वो ये तुम्हारा जो कलेक्शन है रेनबो वुमेन को दिए, एक छोटी सी पोएम माँ और ममता. हास्य सुना दे, माँ और ममता भी सुनाइए और हास्य कविता. हाँ, मेरा ज्यादातर मैं हास्य कविताएं लिखती हूँ. तो ये छोटी सी कविता है, हीरो फिगर मोबाइल. हीरो फिगर मोबाइल. मोबाइल्स के कितने रूप हैं, बाजार में आकर जाना, टच फोन आईफोन से बढ़कर
जीरो फिगर का अब आना है। पिछले दिनों एक ऐड देखा, जीरो फिगर मोबाइल है। ऐड देखकर सिर चकराया, मोबाइल है या बवाल है। मैंने सोचा नई चीज है, मैं तो यही खरीदूंगी। हम उम्र पर रॉक पड़ेगा जब सबको दिखलाऊंगी। हाथ में जैसे ही कपड़ा, हथेली भी शर्मा गई। काया ऐसी दुबली पतली, अंगुलियां घबरा गईं। मैंने डायल किया एक नंबर, 30 सेकंड की बात हुई, मोबाइल म्यूट पर आ गया, बातों की लिंक टूट गई। फिर से टच किया नंबर को, कंप्यूटर यहाँ बोल पड़ा, मोबाइल नाजुक मिजाज है, बैटरी रिचार्ज कर रहा। कुछ सेकंड में आपका नंबर खुद कनेक्ट हो जाएगा, तब तक इस मोबाइल का मौन पूरा हो जाएगा। दोबारा जब बात शुरू की, कुछ सेकंड ही चल पाया, स्क्रीन पर होल्ड ऑन पढ़कर माता मेरा चकराया। गुस्से से मैं बड़बड़ करती शोरूम तक पहुंच गई, डीलर को खड़ी खोटी सुनाकर मेरी तबीयत ठीक हुई। डीलर शांत भाव से बोला जीरो फिगर ही नाम है, आप जैसे भारी भरकम लोगों का नहीं काम है। ये मोबाइल जीरो फिगर की लड़कियों के लिए बना, आप सभी की एक कुंचल की लेडीज के लिए नहीं बना। आपने यदि जोर से पकड़ा वाइब्रेटर पर आ जाएगा, तनिक जोर से टच किया तो मूड इसका बिगड़ जाएगा। अच्छा होगा आप पुरानी दुकान कबाड़ी की पकड़े, वहाँ आप अपने जैसे ओल्ड मॉडल जाकर ढूंढे। उनको ऊपर से भी फेंको, खरोंच तक आती नहीं, उंगलियां कैसे भी घुमाओ बाल बांका होता नहीं। माता अपना ठोक लिया और घर की राह मैंने पकड़ी। ओल्ड इज गोल्ड ही असल सत्य है, सच्चाई मैंने जाना। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार पांडे साहब, पांडे फुफा जी सुनाए फिर। Now we'll have our chief guest, Shodak's chief editor, Ram Pandey ji, जो कि एक बहुत बड़े known historian है, and इनकी किताबें बहुत prestigious university के अंदर जाके collect होती हैं, जाके assemble होती हैं, reference के अंदर जाके होती हैं। मेरे को exact word शायद नहीं आ रहा है अभी, but top universities like Harvard जैसी जगह पे इनकी किताब रखी हुई है libraries के अंदर। And we are proud to say that they have been part of this, our first publication. बहुत कम लोगों को ऐसी blessings मिलती हैं। हमने effort लगाया, time ज़रूर लगा, but आप लोगों का प्यार, patience has been with us, and you have believed in us, and some have pushed us one way or the other. I take encouragement from everyone. So ये लीजिए पांडे, राम पांडे जी की तरफ से आपके लिए कुछ words and उनकी कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियाँ। थोड़ा तेज बोलो। हेलो एवरीबॉडी, सिंस द प्रोसीडिंग ऑफ दिस celebration, what started in English and it was going on in English, but since जो देश अपनी भाषा खो देता है वो अपना सब कुछ खो देता है। इसलिए मेरे देश ने अभी अपनी भाषा नहीं खोई है, इसलिए मैं किसी विदेशी भाषा में बात नहीं करके अपनी भाषा में बात करूंगा। जहां तक आज इस किताब के विमोचन का प्रश्न है, शायद हम ये उम्मीद करते थे कि मनु
ब्रिटिश भारत की एटलस नामक तैयार पुस्तक को प्रकाशित करके उसका विमोचन किसी बहुत बड़े इतिहासकार से करवाएगा, लेकिन ये जो स्त्री शक्ति पर किताब आई ये भी बहुत अच्छी बात है। स्त्री शक्ति के विषय में बात करना ये यूरोपीय सभ्यता की देन है। इस देश की सभ्यता में स्त्री हमेशा से मान रही है। अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो इस सृष्टि का निर्माण प्रकृति और पुरुष से प्रारंभ होता है और प्रकृति उसमें पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली है। लोग ये बात करते हैं कि मनु ने जो मनुस्मृति बनाई उसमें स्त्री की स्थिति को नाजुक बना दिया, वो गलत है। मनु ने अपनी मनुस्मृति में नारी को वो सब अधिकार प्रदान किए हैं जो होने चाहिए। ये अलग बात है कि कुछ बहुएं जली, ये अलग बात है कि दहेज के मामले में हमारी बेटियों को बहुत कुछ सहन करना पड़ा, लेकिन ये ऐसे छुटपुट केस हैं जिनका पूरे समाज में कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको यानी प्रचलित समाज के उसमें जो महिला की शक्ति है उसके विषय में एक उदाहरण पेश करूंगा। मेरे गांव भुसावर के पास एक छोटा सा गांव है इटामड़ा। उस इटामड़े में ये हुआ कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे का संबंध तय कर दिया बिना अपनी पत्नी के पूछे, लेकिन शाम को जब उसकी पत्नी से बात हुई तो अंत में फैसला ये हुआ कि वो संबंध निरस्त यानी कैंसिल करना पड़ा। इससे यानी एक ऐसा परिवार जहाँ की जो वर्तमान आधुनिक शिक्षा है उस शिक्षा का अभाव है, उन विचारों का अभाव है, लेकिन उस महिला की शक्ति देखिए कि उसने अपने पति द्वारा तय किए गए संबंध को वापस कर दिया और अंत में वो रिश्ता कैंसिल हुआ और फिर दूसरी जगह उस लड़के का रिश्ता यहाँ कहीं भी हुआ। इसलिए ये कहना कि हमारे यहाँ, और फिर ये शायद आपने सुना ही होगा, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ महिलाओं की पूजा होती है उनका सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, यानी वो सुख समृद्धि उस घर में रहती है। तो इसलिए हमारा जो विचार है, हमारा जो दर्शन है, उस दर्शन में महिला की स्थिति बहुत सुदृढ़ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब मैं कहूँगा इस बात पर, ये जो इस किताब में इंद्रधनुष बना हुआ है उस इंद्रधनुष की अपनी एक महत्ता है। अपनी महत्ता ये है कि देखिए इंद्रधनुष, इस इंद्रधनुष की महत्ता ये है कि हम जो कुछ करें वो सोच समझ के करें, यानी अगर हमको मित्र भी बनाना है तो सोच समझ के बनाया जाए, और जो मित्र बना लिया है उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए कि अगर उस मित्र पर हमने शक किया और जिसे चोर समझाए वो साधु निकल जाए तो हमारा सिर धूल में लौटने लगता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम शतरंगी आभा को
जो अपना है उस सतरंगी आभा को अपनाते हुए बड़े सावधानी पूर्वक उसको अपनाए और उसके बाद इसको अपना लिया, वो फिर जब तक कि हम उस पे यानी बहुत बड़ा नुकसान सहन नहीं कर लें तब तक उसमें बदलाव की बात नहीं सोचनी चाहिए। और यही स्थिति हमारे समाज में नारी की स्थिति के संबंध में है और यही जो है मेरे अपने विचार से समाज में नारी की स्थिति बहुत सुदृढ़ है, हमेशा से थी और हमेशा आगे भी रहेगी। All right, so that was Ram Pandey ji ki taraf se, and we are so blessed to have him like the book, love the book, cherish the book, and prominent lecturer, teacher, mentor, aaj hamare saath dono hain aur bahut hi स्पिरिचुअल जगह, यहाँ इस जगह की एनर्जी ही कुछ बहुत अलग है। ये जयपुर का जेकेके है और जेकेके इज अ ब्यूटीफुल एग्जीबिशन प्लेस, यहाँ पे थिएटर होता है, बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ की टीम भी बहुत अच्छी है, हमारा सबका ध्यान रख रही है। एंड थैंक यू दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे वुमेनहुड के बारे में? वुमेनहुड मींस नारी शक्ति सबसे आगे, बस यही बोलूंगी, कहीं भी नारी पीछे नहीं है और आजकल हर फिल्म में इतना रिस्पेक्ट सब दे रहे हैं, दैट्स रियली गुड। हर जगह लेडीज को ही मतलब प्रमोट करने के काफी चीजें चल रही है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल, सो रियली गुड। Thank you. Everybody's doing a great job. Thank you. Thank you very much. मैं एक किताब में एक आपको एक स्पेशल चीज दिखाना चाहूंगा सबको। ये देश हमारा है और इस देश के अंदर कुछ चीजें हैं जिसको लेके हमको बहुत ज्यादा प्राउड होना चाहिए, अपने को ध्यान रखना चाहिए। सो वी लेफ्ट अ स्पेशल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू for what we believe can make us a proud citizen. We should keep our country clean, we should follow traffic all the time, we should be honest, we should believe in the economic reforms. Agar aaj hum in reforms pe apne aap ko maan ke chalenge, we might struggle. Hamare se badon ne war dekhe, hamare se badon ne akal dekhe, hamare se badon ne bahut sari cheeze dekhi hain. अगर ये हमारे लिए एक भूकंप है, हमको लगता है कि रिफॉर्म से हमारे बिजनेस पे थोड़ा रुकावट आई है, कोई बात नहीं, हमारी फ्यूचर जनरेशन इसके बेनिफिट लेंगी, दे वुड बी वेरी वेरी हैप्पी विथ ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर फॉलोइंग द लॉ, वी आर ट्राइंग टू डू बिजनेस प्रॉपरली, ग्रो आर इकोनॉमी। सो देयर आर सम स्पेशल मैसेजेस फॉर यू ऑल, बिलीव इन देम एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। Now we'll do some sort of recitals by Pratibha, and recitals करने के लिए Pratibha को मैं Listen everybody, cover design करने वाला हमारे साथ खड़ा है। कॉन्सेप्ट मनु का था, कॉन्सेप्ट प्रतिभा का था कि भाई हमको ये वुमेनहुड पे बनाना है, अलग अलग डिफरेंट एक्सप्रेशंस की वुमेन का फेस हो और उनको 7 कलर्स में लेना है। डिजाइनिंग इसने की है रचिता ने, क्योंकि ये आर्ट की ही वो है, अभी वहाँ जितने भी एक्सप्रेशन है बनाए सारे। सेकेंडली मैं सबको कहना चाहती हूँ, ऐसी चीजें ट्रेजर होती है, सब संभाल के रखे हैं और इसमें सब लोगों ने कलर्स के बारे में पढ़े हैं। जिंदगी भर हम लोग कलर्स को यूज करते आए हैं, लेकिन उन कलर्स की क्या उपयोगिता, हर कलर क्या डिपेंड करता है, ये बहुत मेहनत से इन्होंने लिखा है, कितना प्रतिभान है पूरा छाट के कलर के बारे में, कि हर कलर का क्या रिप्रेजेंटेशन है और कैसे उन कलर को मिलाते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है। सबसे पहले जो शुरू में लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट के बाद कलर के बारे में, उसे पढ़ना, सारे कलर पर्पल वॉलेट जैसे हम पढ़ते आए, राजस्थान में ट्रेडिशन है ना कि पर्पल कलर जो यहाँ विडोज होती हैं वो पहनती हैं, और डेफिनेटली
हर कलर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें है कि वो लो मूड को और उस सबको रिप्रेजेंट करता है, वो ट्रू है हमारी ट्रेडिशन, उसको पढ़ना देखना और रखना सबसे अच्छी बात है। ये लो। हाय, थैंक यू। थैंक यू। That's my cousin. Right. Say a few Masaji bolein. Say a few words about inki abhi ye naye hitch hue hain. So he's experiencing womanhood in a different way, but he's also an awesome human being. He's been my childhood friend. He's been a very, very disciplined person who has helped me. So I would like him to say a few words. He's, Rajat Das. Hello, everybody. First of all, congratulations to Manu and Pratibha. Manu means Pulkit. We know Manu's name. So this is his first, one of the book's name, it's the first venture. I hope ki iska venture very successful ho. It's a great event. We had a great time here. So this book is a beautiful book. इसके जब उसने जस्ट लॉन्च करा था बिफोर इट वाज प्रिंटेड मैं थोड़ा बहुत पढ़ा था आई होप टाइम मिलेगा तो आई विल रीड द होल थिंग आउट आई रेड अ फ्यू थिंग्स अबाउट कलर ही रोट अ ब्यूटीफुल थिंग एंड डिस्क्राइब वुमनहुड इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर सो जस्ट माय ऑल द बेस्ट टू हिम एंड फ्यूचर वेंचर्स आल्सो एंड दैट्स इट ऑल द बेस्ट हैव अ ग्रेट ईयर एंड टाइम अहेड थैंक यू अभी प्रतिभा प्लीज यू हैव टू रिसाइट सम पोएम्स Writing poetry started with PurLitica. When I first read his poems, I got so inspired, and I thought, why should I not try it on my own? So this was the poem written for PurLitica. I dedicated this poem to him, and here, this is how it goes. You can be anyone you dream. You see, precious ones always have hard journeys. Stay focused as a laser beam. You are important as the sun rises. Challenges are to make you brighter. Keep the passion up, see the clear skies. You're worthy great things.
things that your heart longs. Obstacles come to make you stronger. Give your best performance in life's sports. You're brave, braver than you think. Barriers come to make you tougher. Tables will turn. You're vital as a woman. Take all extreme pressures with a smile. Trump will then come even when you are not. You're special, special as a birthday cake. And a camel. Surrender to high temperatures. God only gives us what we can have. You're amazing. Amazing as a rainbow. Life is showing you its entire range of colors to enhance yours. Don't ever give up, even if the pace seems slow. You have a purpose. Purpose with in time life will unfold. Pitfalls exist to take all your flaws and improve your plans. Give it your best shot till you crush it. You can do anything. Anything you desire. All slashes are just enhancing your cut, unfurl and soar higher. You're magnificent. Magnificent as rose, which has come to just intensify your carrot. Remember, best is yet to come. Even when someone has opened upon you, the box will grow. You know what? You know you are a Kohinoor. You sometimes need to see through others' eyes. Just close your eyes and you see yourself through my eyes. You are my Kohinoor. So, this was the poem that I wrote for PurLitica. Now we are about to wrap up. Guests are leaving. We are giving them copies of our book, and everybody's appreciating. We see comments from Shivani, Shaika, Danish, Smiley, Nandini. Thank you so much for joining us. We are having some more recitals and some more participations from our side. So stay tuned. I'll call Riddhi, who is my cousin. She would want something. And thank you so much for joining on the live. It means a lot to us. So I have Riddhi with me, who is my cousin. Okay, so first Sneha. We have Sneha. She's gonna say a few kind words. Say a few kind words about womanhood. Hi all. First, congratulations to Manu and Pratibha on this book. And all the authors and all who have done the creative designing. It's a very nice looking book. I look forward to reading it. And I'm very happy like they have written something on womanhood, which is a very nice topic. thanks. Thank you so much. Now Riddhi is gonna dedicate a song to all the authors and the participants. Here, Riddhi. Hello everyone. I believe there are many people who have joined us. So this is a song which I would like to dedicate to all the authors, and especially the two authors which have compiled so beautiful poems and creations of everyone. So this is a song for many people out there, and especially the female section of the society. तू मने या ना मने दिल दारा ऐसा ते तेनू रब मनिया दस होर केड़ा रब तनवारा दस होर केड़ा
रब मनिया तू मनिया न मानी दिल दारा साथी तेनू रब मनिया साथी तेनू रब मनिया ਸਾਡੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਾਰ So now we have our special guest editor, Dr. Bharatmohan Raturi, who will recite a poem which he has written for his mom. So here is Dr. Bharatmohan. हेलो नमस्ते मैं नारी का जो सर्वोत्तम रूप है वो माँ है और उसी से सारी उत्पत्ति हुई है विश्व की चाहे वो धरती माँ हो चाहे वो हमारी खुद की माँ हो हमारी जन्मदात्री माँ हो उसकी बारे में मैंने एक कविता लिखी है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ माँ तू बहुत याद आती है गुजरे छह पढ़ाव उम्र के सुनते देखते छूते जिसे क्या लिखूं तेरे लिए माँ शब्द है बस अब तेरे लिए थी जो मेरी चहल पहल अब बेबस सन्नाटा है चाह है ढूंढ लूं नजर भर लूं छू लूं एक बार तुझे रह गया अब हथेली में फिसली रेत का एहसास यूं डांटना टोकना रोकना तेरी आदत कड़वाहट समझता था उसी के वास्ते तरसता है मन मेरा हवा के झोंकों का समझ लूं आशीर्वाद तेरा या आंगन में तुलसी चमेली की महक से मान लूं मैं तेरा प्यार तेरा तेरी मुस्कुराहट जो बिंब में से आ रही अब बहुत रुलाती है तू पास आकर क्यों नहीं एक बार फिर मुझे दुलारती है माँ तू मुझे बहुत याद आती है ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच ए वंडरफुल बुक रेनबो ऑफ वुमनहुड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट द ऑथर्स एंड द एडिटर्स PURLiT रतूड़ी एंड प्रतिभा दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब I wish them all the best and I hope they will have more books of such kind in time to come. My good wishes. Thank you. All right, so
Here's a small token of gift for Pramila ji. We're going to give a small token of gift. Ek second, Shanu. We are giving a small token of gift. Shanu, idhar. Emery. Flower dete hue. We thought that lucky bamboo would be a good gift in the house, so we got it for our chief guest and our guest of honor, and yeah, I think we're very happy about this event. Aap log join kiye hain and you all been eagerly waiting, so again I cannot thank you enough for the patience and things that we have gone through and believing in us. So thank you a lot. Thanks a lot for everything you guys have done. I'll read out a poem of mine for you all. Should be thinking the poem that is with a word for All right, I'm going to read out one of my poems. Let me see off our chief guest and I'll be back in a few minutes. Arey, Ufa ji ko aapne diya hi nahi. Ufa ji ko. Hello everyone. How many people? Sir, main Shubhi ji ka naam piche bhi hoga. Are maine nahi padhi abhi. Pata hai mujhe. So, here's this poem. What is a poem, if not mere words? The reflections of feelings that fade eventually. The outbursts of waves that recede immediately. The flowering of hopes that die on its own. The coloring of leaves that change with seasons. Can I write one that states, amidst the myriads of rhythm and gazes of light, the one that rolls and floats, loves and longs, feels and forgets, tells but not listens.
And this poem is by Nupur Pandey, Sketching Me. Thank you. Alright, time for me to read out a poem. It's part of the color orange, self. And women today are self-empowered. Self-confidence is growing in women. Aaj news mein aaya hai ki soon enough in education, women are going to cross boys. Though I believe there shouldn't be any competition, I think we all are equal and we all as a human being should live equal in this world. There's a lot of violence going on and I pray for peace. I pray for prosperity across the globe. Countries are fighting, nations are fighting. Somewhere I feel that women empowerment, education of women would help educate the kids and impart right knowledge. The poem is called Moments of My Own. Ambitions. Oh destiny, let me live this moment. Don't write me off, let my heart laugh. Sometimes, oh sometimes, somewhere, let this soul feel glad again. This unknown moment, like a stranger, seems delightful. Let me feel it. Oh destiny, let me live this moment. Don't write me off. It is in my subconscious state. It floats in my twinkling eyes, in the back of my mind. Don't know its journey, don't know its destination. But I know its burning passion, its treasure. Oh destiny, let me live this moment. Don't write me off. Cuddled like a newborn, let it grow. Like a sealed lips, let the smile sing. Like silent words, let me tell the story. Oh destiny, let me live this moment. Don't write me off. Faint but strong, I hear it coming. Gazing at me like an innocent child. Wondering if I would take that delightful stride. Oh destiny, let me live this moment. Don't write me off. We are reflections, looking at each other like looking into mirror from opposite sides. Unknown, untouched, waiting eagerly. Being just in me. Oh destiny, let me live this moment. Don't write me off before I write myself off. Till the last breath, whatever it takes, never give up. To all of you, I thank you all. I thank you, every one of you. Keep writing, keep reading, keep inspiring, keep believing, and let there be peace, let there be goodwill, let there be honesty and trust. Let us all be happy together. Vasudev Kutumbakam is our motto, and we hope we live through that for a long time to come. Thank you so much. Love you all. Now Akshat, one of our guests, will recite a poem by PurLitica, Kiss That Kid. अरे सब लोग मत देखो यार Kiss That Kid by PurLitica Kathoodi. My heart was chipping away, withering like a dying rose. I needed the magic potion. I needed you as my eternal dose. Sailor, you are of my soul, even if eternity is so short-lived. I can live a few life in few moments like those. You gave me the kiss that killed. Love is bittersweet. Love is hurting addiction. Love is all we need. Thank you. Thank you.
बुआ सेव यू काइंड वर्ड्स आप कुछ बोले विमेनहुड के बारे में लाइव इवेंट है ये चल रहा है सोचने का टाइम नहीं है बहुत सोच लिया आपने आपको बोलना आप कुछ भी बोलो कि नमस्ते मैं आज बोलूं आप कुछ भी हां कुछ भी और नारी के लिए कुछ भी कहना कुछ सबसे पहले तो मैं पुलकित को बधाई देना चाहूंगी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह आगे वो बढ़ता रहे और अपना कार्य करता रहे और हमारे जो नारी नारी को हमारे देश में माँ का रूप बोला गया है जो आजकल दुर्गा का रूप बोला गया और नवरात्रे भी चल रहे हैं और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह से स्त्री का मान सम्मान और मिलता रहे सब लोग मैं गलत बोल रही हूँ काट दे इसको अच्छा ओके नमस्ते क्या कर रहे मिल गया अरे लाइव में तो बोल दिया गड़बड़ बोल दिया पुलकित और प्रतिभा को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां बहुत अच्छा लगा बुक देखी थोड़ी देखी अभी तो इसमें जो विचार रखे गए मौलिक विचार रखे हैं और बहुत अच्छा पढ़ के लगा लेकिन बाकी हम आगे पढ़ेंगे और आशा करती हूँ कि आगे भी ऐसी बुक्स छापते रहें ये लोग छपाते रहें मीनिंगफुल बुक्स हैं मुझे तो सोचा कि वापस बोल लो और हमारे फोटोग्राफर भाई साहब बोलेंगे तूने बोल लिया तू बोल मैं तो पूरी पोएम पढ़ के आई हूँ मैंने भी बोला आप कैसा बोला वो मुझे नहीं पता लेकिन उनको मेरा अच्छा नहीं आ रहा आपको थोड़ी बोल रहे हैं दोबारा से मुझे मालूम दोबारा से चले चले खाना अदर पीपल आर देयर Some people are watching. I'll recite. There is Shivangi's request to read her poem. So yeah. All right. Pratibha is going to recite your poem. खालिया तुमने कच्चा गुल्ला खाया कि नहीं खाया पीछे देखिए पीछे नाम के हिसाब से हेलो इसको So here is the poem by Shivangi Rawat. Oh my love, I know my love. If it's not today, then it's tomorrow for sure. Don't be disheartened, honey. We have 7 more lives. In this lifetime, we can't flow as we are in. Soon we have to let go this as far as me. You are my wing, so I fly so high over the sky.
Oh my love, you got a song. I only can understand and be shy. Our love is not penurious of time. It just needs a moment to tune in love with each other. You never know the future, which can be divine. Make our stars for you to align. Not so soon, little later time. Oh my love, you'll be mine, and together with you. It's a lovely poem, Shivangi. Awesome. Thank you so much for contributing in this particular book, and we really loved it. Thank you so much again. And now we are to commence our event. It was a lovely event attended by family, friends, and well-wishers, and of course the authors that could take out time from Sunday, and you know, thank you so much for joining us. It was a great honor to publish your poems and stories with us. Thanks again. I can't thank enough everybody by trusting us, and I deeply apologize again for the delays that has happened, but I think the moment you get the book, you're going to love it. We have put all our efforts that we could, and we look forward to work with you all again. So we are about to sign off. Thank you so much. Bye. Take care.